हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि मिसिंग या क्रैश्ड एरोप्लेन्स की लोकेशन का कैसे पता लगाते हैं, कैसे पता लगाया जाता है। तो दोस्तों देखो, दुर्घटना एक्सीडेंट किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता और हम दुआ करते हैं किसी के साथ हो भी ना, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। और देखो जहाज हर जगह ट्रेवल करते हैं वर्ल्ड में, समंदर के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है सहारा डेजर्ट उसके ऊपर से भी, बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं करते है? उसके बारे में एक और वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी। और देखिए धरती अर्थ पृथ्वी छोटी तो है नहीं, तो कहीं पर भी जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। अब ऐसी जगह हो जाए, मान लो आप कहीं पर जा रहे हो गाड़ी लेके और आपकी गाड़ी टच हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो आप अपने घर वालों को बताने के लिए फ़ोन उठाए और वहाँ पे नेटवर्क ही ना हो, तो ऐसा जहाज के साथ भी हो सकता है कि ऐसी जगह कहीं पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाए कि वहाँ पे नेटवर्क ना हो या फिर कोई बताने वाला ही ना बचे। थोड़ा और लगेगा, सही कह रहा हूँ, या फिर कोई बताने वाला ही ना बचे। तो कैसे पता चलेगा जहाज की लोकेशन का कि जहाज है कहाँ? तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो जहाज में ब्लैक बॉक्स लगा होता है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, ये डायरेक्ट आप जाके यहाँ पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। तो इसके साथ एक और चीज़ लगी होती है जिसको हम बोलते हैं एविएशन की एब्रीविएशन है ELT, एको लिमा टेंगो, एमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर। अब ये होता क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या काम करता होगा, इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर, मतलब इमरजेंसी में हमारी लोकेशन को ट्रांसमिट करेगा। देखो जब प्लेन क्रैश होता है तो जब उसका इम्पैक्ट 5 to 7 G होता है तो ELT ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और ये सिग्नल्स भेजना स्टार्ट कर देता है, और ये सिग्नल्स भेजता है सैटेलाइट को जिसका नाम है कॉस्मस सारसेट, सर्च एंड रेस्क्यू सैटेलाइट। तो दोस्तों ELT हर सेकंड में सिग्नल ट्रांसमिट करता है कॉस्मस सारसेट को, सर्च एंड रेस्क्यू सैटेलाइट को, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 to 1.50 MHz और 406 MHz फॉर सिविल एयरक्राफ्ट। सिविल एयरक्राफ्ट के लिए ये फ्रीक्वेंसी होती है, और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए 243 MHz होती है। और इसकी बैटरी जो सिग्नल्स देती है वो 48 आवर्स तक सिग्नल्स देती है, क्योंकि 48 घंटे में आराम से पता चल जाता है कि उसका जहाज़ मिसिंग है और वो सिग्नल्स भी आ रहे हैं, तो उसको सर्च एंड रेस्क्यू स्टार्ट करो। अगर दोस्तों जहाज पानी में लैंड करता है, क्रैश लैंडिंग होती है, तो उसका इम्पैक्ट 5 to 7 G हो सकता है कि ना हो, तो उस टाइम पे जहाज की ELT ऑटोमेटिकली ही ऑन हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, वो सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देगी। अब चलो ELT ने सिग्नल्स भेज दी कॉस्मस सारसेट को, अब कॉस्मस सारसेट किसी को भेजेगा तभी तो पता चलेगा, सर्च एंड रेस्क्यू टीम जाएगी। तो कॉस्मस सारसेट सिग्नल्स भेजता है LUT को, लोकल यूजर टर्मिनल, और लोकल यूजर टर्मिनल वो होते हैं जिन्हें सबसे पहले पता चलता है कि हाँ भाई कहीं पे क्रैश हुआ है, उनकी टेरिटरी में क्रैश हुआ है। तो हमारे इंडिया में देखो दो जगह है LUT, एक बेंगलोर में है, एक लखनऊ में है। जो बेंगलोर वाला है वो काम कर रहा है और जो लखनऊ वाला है वो अभी स्टैंड बाय पे है। तो इंडिया में फ्लाई करने के लिए 4 रीज़न हैं, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, मतलब इंडिया को 4 रीज़न में बांटा गया है जिसको बोलते हैं फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन। तो देखो LUT का काम है अब सिग्नल्स को आगे फॉरवर्ड करना। अब ये किसके पास भेजेगा, ये सिग्नल्स भेजता है MCC के पास, माइक चार्ली, मिशन कंट्रोल सेंटर। तो अब MCC सिग्नल्स भेजेगा RCC को, बस उसका उतना ही काम है कि वो अलग अलग एरिया में, मान लो क्रैश अगर दिल्ली रीजन में हुआ है, मुंबई रीजन में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, तो वो उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को सिग्नल भेजेगा कि भैया आप जाओ और सर्च एंड रेस्क्यू स्टार्ट करो। अब RCC का काम है कि वो अब बिना डिले किए हुए सर्च एंड रेस्क्यू स्टार्ट कर दे, और किस किस की हेल्प ले सकता है इसके बारे में भी चलो बात कर लेते हैं। तो RCC इसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प ले सकता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट की हेल्प ले सकता है, जैसे कि लोकल पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, ऑल इंडिया रेडियो की, लोकल बॉडी की, कोई भी मतलब लोकल बंदा है वो भी हेल्प कर सकता है, इंडियन रेलवेज की, एयरलाइन की, प्रोफेशनल पायलट की, आर्म्ड फोर्सेस की, तो इन किसी भी डिपार्टमेंट की अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं और करते हैं। तो जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम होती है वो रेस्क्यू स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिस ऑफ ICAO के हिसाब से करते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एनेक्सर 12 के हिसाब से करते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कोलेब्रेशन के साथ में करते हैं। तो दोस्तों उस प्लेन में अगर कोई सर्वाइवर है, एयर होस्टेस या पायलट बचा है, तो वो कुछ सिंबल्स ड्रॉ करता है जमीन पे,
ताकि जो उन्हें ढूंढने आ रहे हैं उन्हें पता चल सके कि हाँ यहाँ पे है वो बंदा। तो सिंबल्स क्या ड्रॉ करते हैं, जैसे कि एक्स हो गया कि नीड मेडिकल असिस्टेंस, वी विक्टर हो गया कि नीड असिस्टेंस, और भी बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं। और या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मोस्टली फ्लाइट उड़ती रहती हैं, तो वहाँ पे बंदे फिल्मों में भी दिखाते हैं कि भैया आग लगा दी, कोई फ्लैग लगा दिया, या फिर कोई टॉर्च है रात के टाइम पे वो जलाते हैं, तो उनसे पता चल जाता है कि यहाँ पे सर्वाइवर है, उनको जाके बचाना है, तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम की बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और हाँ मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो भाई, इतनी मेहनत होती है ना एक वीडियो में, बहुत टाइम लगता है बनाने में, और आप क्या है कि बिना सब्सक्राइब किए वीडियोज़ देखते हो, मेरे को पता है यूट्यूब स्टूडियो बता देता है सब कुछ, तो प्लीज़ यार इसके कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, इसको सब्सक्राइब कर दो तो हमें वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगता है। तो चलो आज की वीडियो के लिए काफ़ी है इतना, और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच।